हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेक व्लॉग्स। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अब हम जा रहे वाले हैं अंजुना बीच। चलिए और दिखाते हैं आपको, लेट्स गो। आवाज से लग रहा होगा कि मैं थोड़ा नींद में हूँ, एक्चुअली यस, बिकॉज इतना जल्दी उठने की आदत नहीं है मुझे। बट यहाँ पे जैसी गर्मी पड़ रही है, इट्स बेटर कि आप मॉर्निंग या इवनिंग में घूमो और नून में रेस्ट करो। सो चलिए और आपको घुमाते हैं अंजुना बीच एंड वेगेटर बीच। हमारे रिसोर्ट से अंजुना बीच अप्रोक्स 8 किलोमीटर है, जो कि हमें लगेंगे सिर्फ 25 मिनट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप गोवा में जहाँ भी जाइए, ग्रीनरी, नेचर, छोटे छोटे रोड, इट्स लुक रियली अमेजिंग। चलिए फटाफट से अंजुना बीच पहुंचते हैं, आप एंजॉय कीजिए व्यू को, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली गली गली में निकल के हम लोग पहुंच गए हैं अंजुना बीच। और देखिए, आपको दिखाते हैं, चलिए अंदर जाते हैं। चलो, ये एग्जैक्ट बीच की एंट्री नहीं है, बट बीच काफी बड़ा है तो आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सो सिर्फ हम और यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली है। अंजुना बीच ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा है एंड इट्स पॉपुलर अमोंगस्ट फैमिलीज एंड वाटर स्पोर्ट्स लवर्स। और मुझे पता चला है कि गोवा में अभी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद है बिकॉज ऑफ साइक्लोन, और ये मैं बात कर रहा हूँ जून की। मे बी जब वीडियो आएगा तब चालू भी हो गया होगा। और ये हम आ गए वेगेटर बीच पे। अंजुना से सिर्फ 4 किलोमीटर है वेगेटर बीच। अंजुना बीच से ये वाला बीच थोड़ा शांत लग रहा है, थोड़े बहुत टूरिस्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं।
सनसेट देखने के लिए ये बीच सबसे बेस्ट माना जाता है। और एक और टूरिस्ट प्लेस है यहाँ नियर बाय, आपने नाम सुना होगा चापोरा फोर्ट, वो भी यहीं से एकदम नजदीक ही है। आई होप यू लाइक द टाइम लैप्स। अर्ली मॉर्निंग आने का डिसीजन हमारा सही रहा, टूरिस्ट भी कम है और बीच पे हम फोटो वीडियो आराम से ले पा रहे हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे रेड फ्लैग है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मॉनसून की तैयारी है और लहर भी काफ़ी ज़ोरदार आ रही है। ये तो थोड़ा शांत था तो हमने थोड़ी मस्ती कर ली। बाकी अगर आप जून या जुलाई के महीने में आ रहे हैं तो प्लीज़ टेक केयर। तो ये अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो वागोतर बीच और अंजुना बीच दोनों रेड फ्लैग में है अभी, तो इसके लिए थोड़ा टूरिस्ट भी यहाँ पे कम नज़र आ पा रहे हैं जस्ट बिफोर। एंड वी बैक टू आर रिसोर्ट। बहुत भूख लगी थी सो डायरेक्ट हम ब्रेकफास्ट करने ही आ गए। आज ब्रेकफास्ट में है ब्रेड, जाम, बटर, वाटरमेलन, इडली, ये है सांभार, ये आई थिंक पुलाव होना चाहिए, ये ओट्स, यहाँ पर पोहा रिफिल हो रहा है, यह भाजी, यहाँ पर है एग्स और कॉर्नफ्लेक्स, टी, कॉफी, जूस, एवरीथिंग। और अब हम आ गए हैं स्विमिंग पूल। आज हमारा एक्चुअली लास्ट डे है रिसोर्ट में, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स एंजॉय द पूल एरिया। पूल की हाइट सिर्फ 4 फीट है फिर भी रिंकू डर रही है, सो उसका डर दूर करने मैं उसे अंदर सामने की ओर लेके जा रहा हूँ ताकि उसका डर खत्म हो और पूल को एंजॉय कर सके। आज कर रहे हैं हम चेकआउट, सो बाय बाय टू दिस लवली रूम। और ये मिल गए हमें ऑटो, हमें जाना है जॉन कनेक्ट पेरा होटल जो कि यहाँ से है 4 किलोमीटर। मैंने टैक्सी वाले भाई से भी पूछा था लेकिन उन्होंने 4 किलोमीटर के 400 रुपये मांगे थे। ऑटो काफ़ी सस्ती है यहाँ पर कंपेयर टू टैक्सी। और ये हम पहुंच गए जोन कनेक्ट पेरा होटल। सामने है शिवजी का मंदिर और ये मेन रोड, सामने से हम लोग आए थे और रोड पर ही है जोन कनेक्ट पेरा। चलिए होटल के अंदर चलते हैं और
चेक इन करते हैं। ओह वाओ, बहुत सारी रंग बिरंगी फीस है यहाँ पर। तो ये होटल भी हमने गोवा आने से पहले ही बुक कर ली थी, सो ऑलवेज बुक्ड बिफोर यू कम हियर। और हम पहुंच गए हमारे रूम पे, हमारा रूम नंबर है 219। अंदर आते ही लेफ्ट साइड है वॉशरूम, चलिए देखते हैं। लुक्स क्लीन एंड गुड। और उसके बाद है किंग साइज बेड। यह है थोड़ा स्पेस और सामने भी छोटा सा एक फ्रिज है। और यह है बड़ा सा वार्डरोब विथ लॉकर, सो आप अपने कीमती सामान यहां पर रख सकते हैं। एक बड़ा सा सोफा प्लस बेड भी है। रूम काफी स्पेशियस है। देखते हैं कौन सा व्यू मिलता है हमें। ओ वाओ, ये है बढ़िया सा पूल साइड व्यू। आजू बाजू बैठने की काफी अच्छी फैसिलिटीज है। और सामने है मेन रोड, शिव जी का मंदिर। नाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो।